A projectile is fired in such a way that its horizontal range is equal to 3 times its maximum height. What is the angle of projection? ये था तो पहले इसके सबसे पहले जब भी इस तरह के सवाल आते हैं पहले डायग्राम बनती है तो हम डायग्राम बनाते हैं पहले और डायग्राम में हम शेयर करते हैं वाइटबोर्ड अच्छा जो कॉन्सेप्ट है ये प्रॉब्लम नंबर 15 का है ठीक है और टेक्स्ट कर फिफ्टीन है ठीक है और इसमें जो है हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसका लॉन्चिंग हाइट और इसकी डेस्टिनेशन हाइट सेम है। इसका मतलब ये कि हम इसमें नॉर्मल फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है हम इसमें नॉर्मल फार्मूले यूज़ करते हैं और इसके लिए सिंपल अगर आपके पास फर्ज कर लीजिए कि ये एक एक्स एंड वाई एक्सिस है ठीक और यहां से आपकी पार्टिकल ने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट की और यहां तक लैंड कर गया। अब यहां गौर कीजिएगा कि इसकी लॉन्चिंग हाइट और इसकी जो डेस्टिनेशन हाइट है ये सेम है। इसका मतलब ये है कि आप इसे फार्मूला यूज कर सकते हैं। यकीनी तौर पर यहाँ पर आपके पास एंगल होगा इसका, ऐसे मैं बना सकता हूँ कोशिश करके और हमें जो है इसकी ये इसकी जो है फर्ज कर लीजिए कि ये इसकी मैक्सिमम हाइट है तकरीबन कैपिटल एच और यहां से लेके यहां तक ये इसकी रेंज है। अब हमारे पास ये चीजें मौजूद है, जो कंडीशन है वो ये है इस प्रॉब्लम की कि आर जो है वो बराबर है 3h के ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस कंडीशन लगानी है। हमारे पास रेंज का फार्मूला भी मौजूद है, हमारे पास हाइट का फार्मूला भी मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको यूज़ करते हैं दोबारा से। तो मैं इसको फिर पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पे जाता हूँ और ये मैंने एक हल्का सा ऐसी हैंड रिटन सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको नज़र आ रहा हो कुछ लोग चाहें तो उसको जूम कर सकते हैं बड़ा कर लें या मैं इसे ये जो पोर्शन है देख लीजिए। तो हमारे पास जो सजेशन थी सारी मौजूद है। रिक्वायर्ड हमें थीटा मालूम करना था कि किस एंगल से उसे फेंका गया है। रेंज का फार्मूला जो है वो है बराबर है आर इजिकल टू वी स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी, जबकि एच का फार्मूला जो है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू जी। गिवन फार्मूला जो पुराने हैं आप जानते हैं अच्छी तरह से, तो ये नए फार्मूला है। अच्छा उसके बाद जो है हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, जो इक्वेशन हमारे पास मौजूद है आर इजिकल टू 3h के लिहाज से, और हम जो हैं इसको यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। जी और जी आप पे क्रॉस हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर क्रॉस हो जाएगा, आपके पास बचेगा कॉस थीटा, वहाँ बचेगा साइन थीटा, क्योंकि साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा के। कैंसिल आउट करें, आखिर में फॉर्मूला बचेगा टेन थीटा इजिकल टू 4/3, टेन इनवर्स लगाएंगे, एंगल लगा के बस फिर सबके 3.1 डिग्री। तो ये हमारे पास मौजूद है यहाँ पर ठीक है। तो ये आपका पहला फार्मूला था जो हो गया बड़ी मुश्किल से। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड वन और जो प्रॉब्लम नंबर हमारे पास दूसरी है वो है
23 अगर मैं पहुंच सका, ठीक है। तो प्रॉब्लम जरा देख लीजिए, मैं इसको जरा जूम भी कर लेता हूँ, जरा क्लियर नजर आ जाए आप लोगों को। सबको नजर तो आ रहा है वैसे, एवरीवन? चलिए जी, अच्छा प्रॉब्लम पहले सुन लीजिए और उसके बाद फिर उसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम है, अ प्लेस कीकर मस्ट किक अ फुटबॉल फ्रॉम अ पॉइंट 36 मीटर फ्रॉम द गोल। हाफ द क्राउड होप्स द बॉल विल क्लियर द क्रॉस बार विच इज 3.05 मीटर हाई। व्हेन किक्ड द बॉल लीव्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री टू द ओरिजेंटल। By how much does the ball clear or fall short of clearing the crossbar? Does the ball approach the crossbar while still rising or while falling? तो इसमें जो पहली बात तो ये है कि जो गेम जो है, शायद आप लोग जानते थे, रग्बी कहते हैं हम लोग। तो रग्बी अगर आप किसी ने देखा हो तो इसमें इश्यू ये होता है कि बहुत ही दो पोल लगे होते हैं कॉर्नर पर, उसके एक छोटी सी हाइट पर एक हॉरिजॉन्टल पोल लगा होता है, और जब आप किक करते हैं तो बॉल को इन दोनों पोल के दरमियान जो वर्टिकल लगे हुए हैं वहां से, और जो हॉरिजॉन्टल पोल लगा हुआ है उसके ऊपर से जाना चाहिए, तो जाके गोल होता है। अच्छा, वो टकराते वगैरह आते जो भी है, बहरहाल उस गेम में तो हम जा रहे, बल्कि उसको एक फाउल मिला, फाउल के बाद उसने किक लगाई है, वो तकरीबन जो फुटबॉल गोल था उससे 36 मीटर के फासले पर है, और जो हाइट थी, जो हॉरिजॉन्टल पोल की हाइट थी फ्रॉम द ग्राउंड, वो 3.05 मीटर की थी। वो किक लगाता है और नजर ऐसा आता है कि बॉल जो है वो क्रॉस कर जाएगी। जो गिवन वैल्यूज हैं इसकी वो ये हैं कि जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, एंगल जो 53 डिग्री है। तो सवाल आपसे जो पहला सवाल है वो ये कि बाय हाउ मच डज द बॉल क्लियर और फॉल शॉर्ट। अच्छा, मैं दोबारा कोशिश कर रहा जोर से बोलने की, किसी का आवाज हल्की आ रही है, तो मैं दोबारा कह रहा हूँ। तो 20 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, एंगल 53 डिग्री है। पूछा आपसे दो चीजें गई हैं, पहली बात ये क्या बॉल क्रॉस कर जाएगी या उस हॉरिजॉन्टल पोल के नीचे से जाएगी। अगर नीचे से जाएगी तो गोल नहीं होगा, ऊपर से जाएगी तो गोल होगा। दूसरी बात आपसे ये पूछा गया है कि जब बॉल ने उसे क्रॉस किया है तो वो नीचे आ रही थी या ऊपर आ रही थी, स्टिल राइजिंग और वाइल फॉलिंग। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, मेरे पास सॉल्व हुआ है, हम इसको पावर पॉइंट स्लाइड है वहां पर जाते हैं। थिंक कहाँ है, अच्छा ये है, जरा देखिए इसको। अच्छा ये देखिए, पहले डायग्राम समझ लें। डायग्राम में उधर नहीं बना रहा, इधर देख लीजिए कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमाद साहब ने कुछ बात करनी है, चैट पे बोलिए प्लीज। आवाज आ रही है अब सही आपको, अब हमाद साहब? सबको आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? मैं जरा जोर से बोल रहा हूँ, माइक मैंने करीब कर लिया इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा देखिए, कुछ को आ रही है कुछ को नहीं आ रही। अब इसका इशू जो है ना, आपका नेटवर्क कनेक्शन भी हो सकता है, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, तो आपको वहां से आवाज आ जाएगी। तो कुछ लोगों का आवाज बिल्कुल सही आ रही है, कुछ लोगों ने, तो उसका मतलब ये कि नेटवर्क कनेक्शन का इशू है, बाकी और कोई और बात नहीं हो सकती। मैंने माइक भी बहुत करीब रखा हुआ है, जोर से बोल भी रहा हूँ, आवाज में समझ में भी कुछ नहीं आएगा मेरा। चलिए ये देख लीजिए, ये यहां से, ये आपके ये गोल होता है रग्बी का। दो वर्टिकल पोल होते हैं और ये इसके हॉरिजॉन्टल पोल होता है। इस हॉरिजॉन्टल पोल की जो ऊंचाई दी गई है जमीन से, वो 3.05 मीटर दी गई है, और जहां से उस प्लेस के करने किक मारी है, वो जो डिस्टेंस है फ्रॉम दैट गोल इज 36 मीटर। हमें जो दिया गया उसकी वी नॉट, यानी इनिशियल वेलोसिटी दी है 20 मीटर
और एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री, और जो बाकी जो चीज़ें दी गई हैं वो आपको मालूम है कि वो 3.05 इसकी हाइट है उसमें। तो अब हमें करना ये है कि हमें मालूम करनी है वाई डैश, ठीक है ना। अच्छा कैसे मालूम करेंगे भाई कि ये क्रॉस कर जाएगा? ऑब्वियसली अगर हम उस डिस्टेंस पर जाकर अगर इसकी हाइट निकालने और उसकी हाइट जो है वो पोल की हाइट 3.05 मीटर से ज़्यादा होगी तो बॉल क्लियर कर गई है, और अगर उससे नीचे गए तो क्लियर नहीं कर गई। अब इसमें जो हम फार्मूला लगाते हैं वो नॉर्मल फार्मूला नहीं है, बल्कि अब जब इसमें जो पूछा गया, आप देखिएगा जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हमेशा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया करें कि वो किस तरह का है। अब देखिए लॉन्चिंग जो हाइट है वो है 0, ग्राउंड से मार रहा है, ठीक है। लॉन्चिंग जो हाइट है वो है 0, जबकि जिस हाइट पर हम तमाम कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो कैलकुलेशन है 3.05 मीटर पर। ठीक है, और ये क्योंकि लॉन्चिंग हाइट और डेस्टिनेशन हाइट सेम नहीं है तो नॉर्मल फार्मूले जो आपके पास मौजूद हैं, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज, टाइम टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट, टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, वो फार्मूले नहीं लगेंगे इस पर, पहली बात तो ये तय हो गई। ठीक है, नीचे आइए। अच्छा नीचे आइए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा इक्वल टू जी एक्स, ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और एक्चुअली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही होती है, वहीं से निकाली गई है। तो इसकी खास बात यह है कि हमने कोशिश ये की थी, शुरुआत में हमने बताया था क्लास के प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कि हमेशा हम कोशिश करते हैं कि वर्टिकल प्रॉब्लम को और हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम को अलग अलग सॉल्व करें। तो जब हम हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूज करते हैं, वर्टिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो वर्टिकल वेलोसिटी यूज करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन ट्रेजेक्टरी की खासियत ये है कि अगर किसी वजह से हमें दोनों चीज़ों को एक साथ रखना पड़ जाए तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सॉल्व, जैसे कि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो है वाई, इसमें देखिएगा कि हम यहाँ वैल्यूज रखते हैं और यहाँ से निकालते हैं मैक्सिमम हाइट उसकी। ठीक है, ये देखिएगा तो हमने यहाँ पर जो है तमाम वैल्यूज रखी है, 36 मीटर एक्स की जगह जो कि रेंज थी उसकी, जहाँ पर बॉल, जहाँ पर पोल बना हुआ है उसका, एंगल आपको गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एंगल गिवन है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आती है, जो हाइट आती है वो आती है 3.939, और 3.939 जो है वो क्लियरली जाहिर है कि तकरीबन 0.889 मीटर ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि बॉल सक्सेसफुली क्रॉस कर गई है। तो पहले सवाल का जवाब तो भी मिल गया कि बॉल क्रॉस कर गई है, लेकिन मैं पहले कहता हूँ कि आवाज़ का जो इशू है उसका ताल्लुक सिर्फ मुझसे नहीं है, मेरे माइक से नहीं है, बल्कि आपके नेटवर्क कनेक्शन से भी है। तो कोशिश कीजिएगा, तो इसको सब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इसकी रिकॉर्डिंग आप तक पहुँच जाएगी, उसके बाद आप सवाल कर सकते हैं कि इससे और मीटिंग। ठीक है, तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से फिर हम अगले उस पर जाते हैं। दूसरा जो सवाल था इसका वो दूर बड़ा जबरदस्त था, वो सवाल ये था, उन्होंने पूछा ये था आपसे कि आखिर आप कैसे मालूम करेंगे कि ये जो बॉल है
ये ऊपर जा रही होगी गोल क्रॉस करते वक्त, या ये बॉल नीचे जा रही होगी गोल क्रॉस करते वक्त। अब इसका एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि हम करते ये हैं कि हम टाइम निकालते हैं कि उस जगह तक 36 मीटर के डिस्टेंस तक वो कितनी देर में पहुंचेगा। मैं दिखाता हूँ एक मिनट में क्वेश्चन। तो हम क्या निकालते हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, ऊपर तक पहुंचने का टाइम क्या है, वो निकला 1.63 सेकेंड, जैसे फॉर्मूले में नजर आ रहा है आपको क्लियरली। ये देखिए, तो ये आपके पास टाइम निकाला आपने। अब ये है बिल्कुल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम। अगर ये टाइम उस 36 मीटर तक डिस्टेंस के टाइम से कम होगा तो बॉल नीचे गिर रही होगी, और अगर वो टाइम, ये जो हमने 1.63 सेकेंड निकाला है, वो 36 मीटर के डिस्टेंस तक पहुंचने के टाइम से ज्यादा होगा तो ये बॉल ऊपर जा रही होगी। तो हम जब नीचे जाते हैं तो मालूम ये होता है कि हमारे पास जो टाइम आया वो आया 2.99 मीटर। 2.99 सेकेंड जो है वो 1.63 सेकेंड था। इसका मतलब है कि बॉल ने अपनी मैक्सिमम हाइट को क्रॉस कर लिया और वो नीचे की तरफ आ रही थी। तो आखिरी जवाब जो हमारे पास वो ये आता है कि द बॉल इज मूविंग डाउनवर्ड। एवरीवन गॉट इट? सबके समझ में आ गया? सबकी जी, सबकी समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़े। अच्छा, ये सवाल बिल्कुल सही है, चले ठीक है। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, मैं अब जा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर समझाने के लिए। उन्होंने सवाल किया है कि अगर आप T2 जो है वो T1, यानी जो टाइम का जो इशू मैंने बताया कि किसका ज़्यादा वो इससे कम होगा, उससे हम ये पकड़ते हैं तो कि वो टाइम बॉल नीचे जा रही पर, तो उसके लिए हम करते हैं कि मैं दोबारा से आपको जाता हूँ व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर देखिएगा, समझ में आ जाए तो बता दीजिएगा मुझे, तो इसको हम शेयर करते हैं व्हाइट बोर्ड पर। चलें जी, पहले तो इरेज करें इसे पुरानी चीज़ें सारी। मेरे साथ साथ रहिएगा, समझिएगा बात को, ठीक है? देखिए, ये आपके पास एक में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की भी आदत है बनाने की, तो वो मैंने बना दिया। और ये आपके पास, ये यहाँ कोने बिल्कुल खड़े हुए जहाँ आपने ओरिजिन बनाया है इसका। आपके जो गोल पोस्ट है वो यहाँ मौजूद है, एक ये रहा सीधा और एक ये रहा, ठीक है? और ये जो है आपके पास, ये उसकी हाइट है। बॉल को जो है वो क्रॉस करना है इस तरह से, जो हमने मालूम कर लिया कि बॉल जो है वो क्रॉस कर गई है, तो वो इस तरह से है कि वो यूं घूमते घूमते एंड क्रॉस है। अच्छा, ये जो टाइम आपको दिया गया है इसमें, यहाँ पर वो दिया गया है 36 मीटर, ठीक है? जबकि इसकी जो हाइट दी गई है आपको, यहाँ तक की हाइट जो है दी है वो दी गई है आपको 3.05, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये जो टाइम था मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का टाइम, यानी यहाँ तक का जो टाइम था, ये अच्छा ऑब्वियसली इसके बाद जो है आपकी बॉल जो है वो ड्रॉ नीचे जा रही है, आगे तो नहीं जा रही, ठीक है? तो
इस हाइट के बाद जो भी फासला बॉल तय कर रही है उसमें हाइट में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि हाइट में कमी हो रही है। तो यहां तक का जो टाइम निकाला हमने, वो निकाला हमने 1.63 सेकेंड, ठीक है। और यहां तक का जो हमने टाइम निकाला है वो निकाला 2.99 सेकेंड। क्लियरली जाहिर है कि ये 2.99 जो है वो ग्रेटर देन है, इज ग्रेटर देन 1.63। तो इससे ये पता चलता है कि बॉल जो है वो मैक्सिमम हाइट क्रॉस कर गई, और मैक्सिमम हाइट के बाद ऑब्वियसली बॉल ने जो है वो नीचे जाना था, इसलिए ये बात क्लियर होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि बॉल जो है जब बॉल गोल क्रॉस कर रही थी तो वो नीचे जा रही थी। अब बात समझ में आ गई? जी, सबकी बात समझ में आ गई अब एवरीवन? अगले सवाल पे जाएं फिर हम। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल है हमारा, थोड़ा डिफरेंट है और हम दोबारा बुक पे जाते हैं अपनी, और को थोड़ा मिनिमाइज करें। एक सवाल रह गया था मेरे ख्याल में। ख्याल में कहाँ गया सवाल? 16, क्वेश्चन नंबर 16 था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, जरा समझिएगा थोड़ा, मैं एकदम थोड़ा हार्ड लेता हूँ फिर थोड़ा आसान। अच्छा, किसी ने कहा था उसको सवाल पहला वाला समझ में नहीं आया था, तो वो भी बता दूंगा। टू स्टार्ट एन एवलांचे ऑन अ माउंटेन स्लोप एन आर्टिलरी शेल इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड एट 55 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, इट एक्सप्लोड्स ऑन द माउंटेन साइड 42 सेकेंड आफ्टर फायरिंग, व्हाट आर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द शेल वेयर इट एक्सप्लोड्स रिलेटिव टू इट्स फायरिंग पॉइंट। अच्छा, ये सवाल सबने देख लिया? चलें, इस सवाल को फिर हम दोबारा, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, सवाल रेज हैंड प्लीज। अच्छा, मैं इनको, इन्होंने सवाल किया है तो ये अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बोलिए, क्या बोल रहे थे? उबैद नईम साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम ये बोलिए। सर। क्वेश्चन नहीं था मेरा, मैं ही पूछ रहा था कि यूट्यूब की जो लिंक है सर, वो सारी वीडियोस देखनी है हमें। नहीं, वो तो आपके लेक्चर मैंने सारे डाल दिए जो मैं बहुत मुख्तलिफ क्लासेस के ले रहा हूँ, आपको जो मैंने बताया बस अब उन्हीं की वीडियोस देखिए। अच्छा, मतलब क्लासेस तो अप्लाई भी लेंगे ना? मतलब मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ ना, तो आपको तो मालूम है कौन कौन से टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, उन टॉपिक के लिहाज से मैं आपको जी टाइटल बता रहा हूँ, तो जब आप यूट्यूब पे जी जाते हो उन टाइटल की वीडियो को देख लें बस, ओके ओके ठीक है। जी अच्छा, अहमद साहब ने अपने आप को अनम्यूट करके बात कर लें। अहमद साहब सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये सवाल है कि ये टाइम का जो फॉर्मूला हमने लगाया सर, जी, सर किस चीज़ का फॉर्मूला ही है टाइम का फॉर्मूला, सर? ये जो ऊपर हमने ऊपर जाने का हमने टाइम निकाला है, ये किस जी, फॉर्मूले से निकाला है? ये है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, जो नॉर्मल पुराने फॉर्मूला आपके पास है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो आपने पहले भी पढ़ा वही है।
ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि टाइम खत्म होने वाले 10 मिनट बाकी हैं, 2-3 नंबर और रह गए हैं। क्लास थोड़ा सी अजीबो गरीब हो गई, पहला टाइम हमारा काफी ज़्यादा हो गया। तो मैं, अच्छा मुश्तबा ने भी पूछा, मुश्तबा पूछ सकते हैं भाई, मैंने आपको अलाउ कर दिया। जी जी सर, कुछ पूछना आपको? जी सर, सर कुछ प्रॉब्लम 23 में, इसके जी ए पार्ट में आपको कैसे पता चला कि बॉल गोल को क्रॉस कर गई है? चलें, ये आपका सवाल, एक सवाल हो गया आपका। और कोई और तो चीज़ नहीं पूछनी आपको? नहीं सर, भाई यही क्वेश्चन है। ठीक चलें ठीक है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ डायग्राम से, जो मैंने डायग्राम बनाई है। ठीक है, सर, अच्छा उबैद से बात हो गई, मुश्तबा से बात हो गई, बाकी किसी और का सवाल तो नहीं रह गया? मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ दोबारा। चलें जी, अच्छा बुक जो है वो आपकी फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर है, जिसमें मैंने आपको जो है आपको बताई भी थी। वो ऑब्वियसली पीडीएफ उसकी अवेलेबल भी है बहुत की, 13-14 जो भी एडिशन में सवाल याद रखें, ऊपर नहीं आगे पीछे हो जाते हैं एडिशन में, मतलब सवाल चेंज नहीं होते, तो वो देख सकते हैं। तो मैं अभी शेयर पे जा रहा हूँ वापस व्हाइट बोर्ड पर अपने, और जो प्रॉब्लम नंबर 23 था उसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखें दो चीज़ें, ये डायग्राम बनी हुई थी हमारे पास, ठीक है। पहला सवाल ये था, इन्होंने ये कहा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि वो बॉल क्रॉस कर गई है, ठीक है। तो हमने बाय यूजिंग, अब अगर आपको मार्कर पेन नज़र आ रहा है जो मैं यूज हिला रहा हूँ कर्सर की तरह, एवरीवन चले मैं स्पॉटलाइट ले लेता हूँ। अच्छा ये देखिए, अब नज़र आ रहे हैं स्पॉट आपको? चले देखें, ये एक पॉइंट था जो कि 36 मीटर के फासले पर मौजूद था, ठीक है जी। और ये आपकी थी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। हमने क्या किया कि बाय यूजिंग एन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, 36 मीटर का फासला तय करते वक्त उसकी हाइट कितनी होगी ये मालूम कर ली। जो हाइट हमने निकाली वो निकाली तकरीबन 3.9889 करके निकाली थी, जो आपको सॉल्व करवाया है। और वो हाइट जो है वो इस हॉरिजॉन्टल पोल की 3.05 मीटर की हाइट से ज़्यादा है। इससे क्लियर हो गया कि आपकी बॉल इससे ऊपर से गई है। अगर उस वो वर्टिकल डिस्टेंस 3.05 मीटर से कम निकलता तो क्लियर हो जाता कि बॉल नीचे से गई है और बॉल नहीं, गोल नहीं हुआ, ठीक है जी। अच्छा ये जो मैंने टाइम निकाला है 1.63 सेकेंड, ये निकाला है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का। और ये जो 2.99 सेकेंड है, ये सिंपल जो है बाय यूजिंग अ रेंज की जो इक्वेशन है, आर एक्स इजिकल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, वहां से निकाल लिया टाइम, और वो टाइम आया 2.99 सेकेंड। क्योंकि ये टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट से ज्यादा है तो ऑब्वियसली 1.63 सेकेंड के बाद बॉल ने जितना भी फासला तय किया उसमें वो नीचे जा रही है बजाय ऊपर जाने के, क्योंकि इसकी मैक्सिमम हाइट तो अचीव हो गई है। इसलिए हमने कहा कि बॉल जो है वो डाउनवर्ड फ्लो कर रही थी, इसलिए वो खत्म हो गया। क्या मैं सवाल का जवाब दे सकूँ आप सबको? लास्ट में ऑफ करूंगा इसके बाद ना, क्योंकि और टाइम नहीं बचा हमारे पास, क्योंकि 40 मीटर का इनका स्लॉट स्लॉट टीम में नहीं था, लेकिन टीम में आप लोगों ने इशूज काफी क्रिएट किए मेरे साथ, तो मैंने फिलहाल उसको अभी खत्म कर दिया। जी ऑब्वियसली यही है ना कि देखिए, ये मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जो अगर आपने रग्बी देखा हो, रग्बी में गोल ऐसे होता है, ये मतलब दूसरा ऑप्शन ये था कि बॉल नीचे ले जाती जैसे यहाँ पर यहाँ तक। तो अब अगर ऐसी कंडीशन होती तो जो हाइट निकलती है उसकी, अगर ऐसी कंडीशन होती तो इधर जो हाइट निकलती है वो 3.05 मीटर से कम होती, तो हम कहते हैं बॉल क्रॉस नहीं किया, बॉल नीचे से गई है और इस सूरत में गोल नहीं हुआ, क्योंकि हाइट जब वो ज्यादा आई है इसलिए बॉल क्रॉस कर गई। नहीं दूसरी क्लास नहीं होगी भाई, काफी टाइम निकल गया मुझे, मैं थोड़ा सा इसको माइक्रोसॉफ्ट टीम दोबारा समझूंगा, फिर देखूंगा कि क्या हो सकता है। अच्छा कोई और सवाल तो नहीं है?
चैट पे कर ले, मैं फिर खत्म कर रहा हूँ। मेरे मुझे एटलीस्ट मुझे 4 नुमेरिकल्स कराने थे, 2 नुमेरिकल्स में हालत ख़राब हो गई, काफ़ी टाइम लगता है ऑनलाइन में, बहुत सारे मसले होते हैं। ये मैं खुद ही बना रहा हूँ डायग्राम, वैसे काफ़ी बेहतर बन गई लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम लग गया इसमें। देखें बार बार लोग पूछ रहे हैं यूट्यूब की वीडियो का। अच्छा दो सवाल आए हैं, मैं वो पूछ लूँ। पहला सवाल तो आपका ये आया है जो इस सब्जेक्ट से रिलेट नहीं है, क्या यूट्यूब की सारी वीडियो देखनी है? तो एक्चुअली यूट्यूब की सारी वीडियोस आपको नहीं देखनी है, जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ उसका टाइटल भी दे रहा हूँ, सिर्फ वही वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा वही देखिएगा। दूसरा सवाल ये आया है, स्लाइड शेयर हो जाएंगी, मैं ग्रुप पर भी कर दूँगा तो वो कोई इशू नहीं है, ये तो ऐसे मैंने हैंड रिटन ही किया था तो बता दिया। दूसरा किसी ने सवाल मुझसे ये किया है इधर, जो मुझे इम्पोर्टेंट भी लग रहा है कि कहाँ चला गया सवाल, हाँ कि मैक्सिमम हाइट जो है, मैक्सिमम हाइट जो है बॉल को वैसे भी नीचे जाना है, तो अगर ये पता चल गया कि मैक्सिमम हाइट अचीव हो गई तो टाइम की क्या नीड है? देखिए सवाल समझिएगा, सवाल ये है कि बॉल नीचे जा रही थी क्रॉस करते वक्त या ऊपर जा रही थी, ये सवाल था। तब तक हमें ये नहीं मालूम हुआ कि मैक्सिमम टाइम किस टाइम पर वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, हम ये नहीं बता सकते कि जो टाइम हमने निकाला है उस टाइम पर बॉल नीचे जा रही थी या ऊपर जा रही थी। जैसे हमें पता चला कि हमने जो टाइम निकाला है वो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने वाले टाइम से ज़्यादा है, तो हमें पता चल गया कि बॉल नीचे जा रही थी, इसलिए ज़रूरी था। आज वाली क्लास की यार ये तो बहुत ही ख़राब क्लास हुई है वैसे, लेकिन फिर भी मैं इसको डाल दूंगा, ये इसको मैं न्यूमेरिकल्स के नाम पे डाल दूंगा फॉर BSCS इवनिंग। ठीक है मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ इसकी।